अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जरगाम और आप देख रहे हैं साइंटेक ऑफिशियल और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए ब्रांड न्यू स्टोर के रिव्यू के साथ। तो आज हम रिव्यू करेंगे लिनोवो पाकिस्तान का स्टोर, जो एक बड़ा ही डिटेल्ड और बड़ा कॉम्पैक्ट स्टोर है। तो इस स्टोर का लिंक जैसे टॉप में है lenovo.com/pk, और इसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो ये लिनोवो का मेन होम पेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान, तो इसने पाकिस्तान का होम पेज ओपन कर दिया। तो ये इसके कुछ मेन टैब्स हैं, इसमें बता रहा है कि स्मार्टर टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, एक्सप्लोर मोर पीसी एंड टैबलेट्स। तो हम वन वन सारी टैब्स एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करते हैं और COVID-19 रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस टैब में क्या अवेलेबल है। तो ये एक्सप्लोर मोर की टैब ओपन हुई है, इसमें वो लिनोवो के बारे में थोड़ा सा पोर्टफोलियो और उसकी कंपनी के जो बिजनेस हिस्से हैं वो बता रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन ग्रुप है, इनकाल सॉल्यूशन एंड सर्विसेज ग्रुप है, इंटेलिजेंस डिवाइस ग्रुप है, लिनोवो कैपिटल एंड इंक्यूबेटर ग्रुप है, उसके बाद कन्वर्टेड नेटवर्क ग्रुप है और डाटा इंटेलिजेंस ग्रुप है, कि जो जिस जिस फील्ड में लिनोवो काम कर रही है, बेसिकली एक कंपनी का गो थ्रू है या एक प्रॉपर पोर्टफोलियो है। उसके बाद हम जाएंगे लिनोवो रिस्पॉन्स टू, इसमें उनके सीईओ का मैसेज आया और उसी से रिलेटेड कुछ सोर्सेज एंड सपोर्ट के कुछ टैब्स हैं और लिनोवो के बारे में कुछ बताया गया, जो एक रीडिंग आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम जाते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम पीसी एंड टैबलेट्स का टैब ओपन करते हैं। तो पीसी एंड टैबलेट्स का जब हम टैब ओपन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लिनोवो पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। जो प्रोडक्ट्स इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, इसका उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही, वो प्रोडक्ट्स मिल जरूर रही होंगी लेकिन वो बेसिकली डिसकॉन्टिन्यू हो गई होंगी मार्केट से। तो इस टाइम जो लिनोवो का लेटेस्ट लैपटॉप है वो थिंकपैड X1 कार्बन है, इसके बाद लीजियन सीरीज में इनका है लिनोवो लीजियन का जो लेटेस्ट लैपटॉप है वो दिया हुआ है, उसके बाद जोगा 9i Gen 7। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको टॉप पे बता रहा है कि लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, टैबलेट्स, मॉनिटर्स, गेमिंग एक्सेसरीज, अमन सब कुछ रिव्यू करते हैं। तो वो बताता है फॉर वर्क आपकी थिंकपैड X1 कार्बन सीरीज है, X1 योगा है, E15 है, थिंकबुक 14 है, उसके बाद लिनोवो के मॉनिटर हैं, वर्क फ्रॉम होम और फेसबुक के बारे में कुछ दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप फॉर होम कुछ लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में ये आपको सिंपल योगा स्लिम और AMD बेस्ड और या इंटेल के प्रोसेसर बेस्ड कुछ सिंपल लैपटॉप बताएगा, जो आइडिया पैड वर्जन है। याद रहे कि वर्क के लिए थिंक पैड और होम के लिए आइडिया पैड, और फॉर गेमिंग ये ऑब्वियसली लीजियन सीरीज है जो गेमिंग की, तो उसके ये कुछ मॉडल्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो ये थे लिनोवो के लैपटॉप्स। अब हम आ जाते हैं लिनोवो के डेस्कटॉप्स पे और देखते हैं कि लिनोवो के कौन कौन से डेस्कटॉप्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में ये। तो लिनोवो के डेस्कटॉप्स जो हैं वो मोस्टली बहुत सारी कंपनीज उनको परचेज करती हैं, क्योंकि इनके डेस्कटॉप्स की बहुत सारी सीरीज हैं, जैसे आइडिया सेंटर है, उसके बाद लीजियन गेमिंग के लिए है, उसके बाद इनोवेटिव डिज़ाइन हो रही है जिसे ऑल इन वन पीसी कहते हैं, इसके बाद आइडिया सेंटर है, थिंक सेंटर जो है बेसिकली इनका मोस्टली वर्क स्टेशन टाइप है, उसके बाद टावर सीरीज, AU15 सीरीज, VTower T सीरीज, V सीरीज, AU300 सीरीज, Mini Tiny सीरीज, और इनके काफ़ी योगा जी सीरीज, ऑल इन वन सीरीज, थिन क्लाइंट्स, माई नैनो सीरीज, और बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप के मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें थिंक सेंटर, आइडिया सेंटर, लिनोवो लीजन। फॉर एग्जाम्पल हम एक लिनोवो ऑल इन वन पीसी को ही ओपन कर लेते हैं, जैसे M सीरीज है इनकी, डेडिकेटेड है जो ऑल इन वन के लिए। तो ऑल इन वन पीसीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ऑल इन वन पीसीज वो होते हैं जिसमें कोई साथ डेस्कटॉप केसिंग टाइप कोई कंप्यूटर नहीं होता, वो एक स्क्रीन ही होती है, उसके मॉनिटर के बैक साइड पे एक पूरा मदरबोर्ड मॉड्यूल लगता है और वो एक स्क्रीन में ही एक
मॉनिटर में या स्क्रीन जिसको आप कहेंगे उसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर होता है। थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो उसकी थोड़ी सी माजरत, तो मैं उसको दोबारा फिर रिफ्रेश करता हूँ और मैं उसका ऑल इन वन पीसी थिंक सेंटर जो है उसकी मेन लिंक को ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि थिंक सेंटर में कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। जैसे ये थिंक सेंटर M90, ये Gen 3 IO 33, इंटेल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए मैं एक मॉनिटर ओपन करके दिखा देता हूँ और उसकी हम स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये जो थिंक सेंटर M90, ये Gen 3 23 इंच इंटेल का लेनोवो थिंक सेंटर है, ऑल इन वन पीसी है, उसके बारे में क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल 23.8 इंच का एक डेस्कटॉप है, हाई परफॉर्मेंस है, i9 है, 12th जनरेशन है, फुल HD डिस्प्ले है, Wi-Fi 6E सपोर्ट है उसकी। डिज़ाइन उसके बारे में, उसके फीचर्स की टेक्निकल स्पेक्स खोल लेते हैं हम। इसमें Windows 11 Pro है, Windows 10 Pro 64 प्री इंस्टॉल्ड थ्रू डाउनग्रेड राइट्स इन Windows 11 Pro, Wii Pro रजिस्टर्ड प्लेयर फॉर्म जो उसका लेटेस्ट प्रोसेसर है Core i9। उसके बाद 64 GB विथ 200 MHz क्लॉक स्पीड, 2 SODIMM DDR4 रैम्स हैं इसके अंदर। स्टोरेज इसकी 1 TB SSD है जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, और 2 TB HDD भी आ सकती है। उसके बाद ग्राफिक्स की टाइप है, आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। ऑप्शनल में एनवीडिया GeForce भी है, डिस्प्ले की टाइप है और जो भी सारी इसकी स्पेसिफिकेशन हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्पीकर इसमें डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है। बैटरी के हवाले से देखते हैं कि क्या ये पावर सॉकेट में है या इसके अंदर बैटरी भी है। इसमें बैटरी नहीं है और लो टेम्परेचर सोल्डर है इसमें। बाकी इसकी सारी बताई हुई है कि ये लैन पोर्ट है और ये Gen 1 3.2 USB है, USB-C है, उसकी टाइप्स हैं। तो मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लिनोवो के ऑनलाइन स्टोर से डायरेक्ट परचेज़ नहीं कर सकते, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से फाइंड अ रीसेलर पर क्लिक करें। आप फाइंड अ रीसेलर पर क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा कि आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से ये लिनोवो का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे लैपटॉप हो या चाहे वो फ़ोन हो, वो परचेज या वो डेस्कटॉप कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉर कंज्यूमर रिटेलर्स लैपटॉप्स पे क्लिक करेंगे, टैबलेट्स पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर से क्लिक करेंगे, वर्क स्टेशन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप्स मैंने खोला ऑल इन वन पीसी था, लेकिन क्योंकि मैं आप लेना चाहते हैं लैपटॉप तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये कंपनीज हैं IRJ Tech, सेंचुरी कंप्यूटर्स, तो हम सेंचुरी जॉस कंप्यूटर्स, पाको कंप्यूटर्स, पीसी हाउस, ट्यू फिक्स वाइज टेक। फॉर एग्जांपल सेंचुरी कंप्यूटर्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये उसकी वेबसाइट ओपन करेगा और ये आपको डायरेक्ट सेंचुरी कंप्यूटर्स की वेबसाइट पे ले जाएगा और आप वहाँ से जाके ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 8 स्टोर लिनोवो की वेबसाइट में हैं, ये लिनोवो के ही सर्टिफाइड स्टोर्स हैं और यहाँ से जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो लिनोवो का सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा। यहाँ से आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये बाकी भी कुछ कंपनीज के सेल करें, लेकिन ये लिनोवो के भी सर्टिफाइड रिटेलर सेलर्स हैं। तो ये तो तरीका है कि आपको प्रोजेक्ट कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं वर्क स्टेशन पे और हम वर्क स्टेशन की डिटेल्स देखते हैं लिनोवो की वेबसाइट में। तो वर्क स्टेशन में आपके पास दो तरह की ऑप्शन है। इसमें है कि आप थिंक पैड वर्क स्टेशन लेना चाहते हैं या थिंक स्टेशन वर्क स्टेशन लेना चाहते हैं। थिंक स्टेशन और थिंक पैड वर्क स्टेशन में ये फ़र्क है कि थिंक स्टेशन बेसिकली टावर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और थिंक पैड वर्क स्टेशन जो हैं वो लैपटॉप्स हैं। ठीक है, लिनोवो की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको इंडस्ट्री वाइज लैपटॉप्स भी देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको AI और डाटा साइंस के लिए चाहिए तो आपको प्रोडक्ट्स बता रहा है कि आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ऑयल गैस एंड एनर्जी के लिए कोई लैपटॉप लेंगे, तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तो उसमें थिंक पैड और थिंक स्टेशन, व्यू ऑल, थिंक स्टेशन पी पी सीरीज़ के जो लैपटॉप्स हैं वो ऑयल एंड गैस एनर्जी के लिए हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए अलग हैं, मीडिया के लिए अलग हैं, फाइनेंस के लिए अलग हैं, मेडिकल साइंस के लिए अलग हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग हैं। अगर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिनोवो एक इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो हर
वर्किंग फील्ड के सेक्टर के हवाले से आपको लैपटॉप भी और प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अब ये तो वर्क स्टेशन हो गए, उसके बाद थिंक स्टेशन हो गए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आती है तो उसका भी, जैसे मैं शॉप पी सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ तो व्यू थिंक पैड पी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये पी सीरीज़ के लैपटॉप्स आ जाएंगे और ये आपको बताएगा कि ये लैपटॉप अवेलेबल हैं। कंपेयर पी सीरीज लैपटॉप जो आपको पसंद आते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो फिर आप उसी तरीके से फाइनल डिसाइड करके और उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी और टाइप की तरफ, इसमें हैं टैबलेट्स, इसमें लिनोवो की टैबलेट्स हैं। टैबलेट जो मशहूर तो हैं लेकिन आज के दौर में इतनी टैबलेट्स यूज़ नहीं होती, जैसे लिनोवो की टैबलेट M10+, टैबलेट P12, टैबलेट P11 और कुछ टैबलेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब हम आते हैं लिनोवो के मॉनिटर्स पे, तो लिनोवो के कुछ 4K मॉनिटर्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या जो आर्किटेक्ट्स हैं वो लिनोवो के मॉनिटर्स बहुत यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने खुद पर्सनली ये लिनोवो L32P30 मोनीटर चेक किया है, बहुत अच्छी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है और फ्री सिंक आपको पता है कि ग्राफिक्स में बहुत काम आता है, तो आप इसके डेडिकेटेड मॉनिटर्स भी परचेज कर सकते हैं। और फिर ऑल में इन्होंने फिर उसको फर्दर कैटेगराइज किया था कि फॉर होम ये हैं, फॉर वर्क ये लैपटॉप्स हैं, फॉर गेमिंग कुछ कर्व्ड और कुछ फास्टर रिफ्रेश रेट के साथ, जैसे 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ भी कुछ मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। अपने अपनी प्रोडक्ट अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं गेमिंग की, उसमें गेमिंग के टैब पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसके दो तरह के गेमिंग रिसोर्सेज हैं, एक लिनोवो लीजन सीरीज है और एक लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग सीरीज है। जो अफोर्डेबल गेमिंग मशीन है वो आइडिया पैड गेमिंग है, और लीजियन जो है वो स्पेसिफाइड गेमिंग सीरीज है जो कि डेडिकेटेड है, जिसमें फुल हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड हैं, जिसमें RTX ग्राफिक्स कार्ड हैं, उसके बाद मॉनिटर्स भी हैं, लैपटॉप भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग के लिए कोई लैपटॉप आपके लिए ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लिनोवो किस किस तरह के लैपटॉप ऑफर कर रहा है। तो गेमिंग सीरीज के लैपटॉप ओपन करने के लिए मैं देखता हूँ कि लिनोवो कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे रहा है, हम लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें लीजन लैपटॉप्स की सीरीज़ में ले जाएगा और बताएगा कि हम यहाँ लीजन पे क्लिक करेंगे तो लीजन के, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिनोवो लीजन 7 Gen 7 पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी टैब खोल देगा और आपको बताएगा कि ये लैपटॉप है, इसमें इसकी टेक्स स्पेक्स हम ओपन कर लेते हैं। ये बता रहा है कि उसमें AMD Radeon का 6850 6850 MXT ग्राफिक्स कार्ड है और ये AMD सपोर्टेड है, डिस्प्ले की टाइप ये है, इसका रिफ्रेश रेट आप 500 निट्स इसका है, 165 to 240 हर्ट्स रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसकी मेमोरी 32 GB ऑफ रैम है, बैटरी इसकी 80 mAh में 100% चार्ज हो जाती है, स्टोरेज, ऑडियो, कैमरा, डायमेंशन, कलर और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन इसकी अवेलेबल हैं। और इसको फिजिकली देखना चाहते हैं तो ये एक लैपटॉप है जिसमें जो बज़ाहिर भी एक 5 i परफॉर्मेंस है, लिनोवो लीजन 5 जो मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने उस पर गेमिंग की हुई है और वो लैपटॉप भी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप है। तो चलते हैं हम लिनोवो की सारी टैब्स एक्सप्लोर करने के बाद हम जाते हैं एक्सेसरीज की तरफ। उसके बाद लिनोवो की एक्सेसरीज में देखते हैं कि लिनोवो हमें एक्सेसरीज में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्सेसरीज में मोस्टली लैपटॉप और सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड, जिसमें चार्जर्स होंगे और HDMI केबल्स और इस तरह के आइटम्स होंगे, तो हम इसको रिव्यू करते हैं कि लिनोवो हमें एक्सेसरीज के सेक्शन में क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम लिनोवो से क्या क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन की मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सेसरीज का सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक पेज का कोई इशू है या कोई मामला है। चलिए हम एक्सेसरीज को शॉर्ट डाउन करके दे सकते हैं यहीं से, कि लिनोवो हमें लिनोवो 7, ब्लूटूथ स्पीकर, बैकपैक, चलिए हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, बैकपैक, माउस विद लेजर प्रिंटर,
हैंड फ्री हैंड ANC हेडफोन्स और लिनोवो गो सीरीज गो एक्सेसरीज। तो हम ये टैब ओपन करते हैं तो शायद ये टैब ओपन हो जाए। तो जैसे लिनोवो इको में लिनोवो का बैग है, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन जो बैग की टाइप होगी, उसके बाद वेयर टू बाय में जाके आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं। हम वेयर टू बाय पे क्लिक करके कहीं वो भी देख लेते हैं कि कहाँ से, तो सेम वही वही सेलर्स इन्होंने बता दिया कि यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह लिनोवो का ये माउस है, जो माउस लेना चाहते हो लिनोवो के, तो उनके लिए ये लेटेस्ट माउस हैं और न्यू टाइप्स ऑफ माउस हैं। और ये इनके एक्सेसरीज में लिनोवो गो में देखते हैं कि क्या है। लिनोवो गो में आई थिंक इनकी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और इस तरह के कुछ पार्ट्स हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट में इतना ही ऐसा। गो में वायरलेस वर्टिकल माउस है, सी माउस है, इसके अलावा लैपटॉप पावर बैंक है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं लिनोवो की। हमने सारी टैब्स हमने तो एक्सप्लोर कर ली हैं, पेशेंट टैबलेट्स की। अब हम फ़ोन पे जाते हैं और फ़ोन में देखते हैं कि लिनोवो के फ़ोन में क्या क्या है। लिनोवो क्योंकि मोटरोला जो है वो लिनोवो ने बाय कर लिया, तो ये आपको मोटरोला की वेबसाइट पे ले जाएगा और मोटरोला की वेबसाइट पे जाके आप लिनोवो के रिलेटिव प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं मोटोरोला का कौन कौन सा फ़ोन अवेलेबल है। मोटो S200 MP कुछ न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ है और ये एक टोटली न्यू वेबसाइट है जिसके बारे में हम रिव्यू एक दफ़ा फिर करेंगे। तो फ़ोन्स के बाद हम सर्विसेज एंड स्टोरेज में जाते हैं। सर्विसेज एंड स्टोरेज में जब जाएंगे तो ये बताएगा कि सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। SMB टेक्नोलॉजी, एज AI एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और SPC। और इसके बाद ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो एक काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन है, जिसमें क्लाउड बेस्ड AI सर्विस, बैकअप, बिग डाटा, एज कंप्यूटिंग, OEM, SMB स्टोरेज सॉल्यूशंस। उसके बाद सर्वर्स में ये ब्लैक सर्वर्स, एज सर्वर्स और सर्वर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें रैक टाइप है और टावर साइज है और टावर टाइप है। उसके बाद स्टोरेज में ये डाटा सेंटर्स और स्टोरेज टाइप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हम इनसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग में ये हमें इथरनेट स्विचेस और फ्लैक्स और इथरनेट स्विचेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हमें एजाइल एचएक्स सीरीज विद बिटेनिक्स और एजाइल VX सीरीज विद VMware। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड, बिल्ड योर ओन क्लाउड, अगर हम अपना ओन क्लाउड भी बनाना चाहते हो तो वो सर्विसेज भी हमें लिनोवा प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि लिनोवा एक बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो ऑलमोस्ट IT की हर फील्ड में हमें प्रोडक्ट्स दे रही है, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से लेके नेटवर्किंग तक, स्टोरेज तक, सर्वर तक, सॉल्यूशन तक और सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड सपोर्ट तक। सॉफ्टवेयर में देखते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, मैनेजमेंट के, क्लाउड वर्क स्पेस के और इसी तरह मार्केट लीडिंग सॉफ्टवेयर फॉर डायनामिक्स बिजनेस के हवाले से। सर्विसेज में हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, टू स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दे रहे हैं। और आप इनको और एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर हमें किसी तरह की कोई सर्विसेज चाहिए लिनोवो से रिलेटेड। उसके बाद सपोर्ट में ही हमें फ़ोन लिस्ट, सबमिट अ सर्विस रिक्वेस्ट, प्रीमियम सपोर्ट और फाइंड अ सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ ये किधर हमें लेके जाता है। तो हमने क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक किया और ये हमें उसके डेडिकेटेड डाटा सेंटर सपोर्ट डॉट लिनोवो डॉट कॉम स्लैश सर्विस प्रोवाइडर के पेज पे लेके जा रहा है, जहाँ पे जाके हम ये चेक कर सकते हैं कि लिनोवो कौन कौन सी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना। मीन वाइल हम बाकी टैब्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये स्मार्ट डिवाइसेस में क्या दे रहा है। स्मार्ट डिवाइसेस में हम जब जाते हैं तो उसका एक अलग ही टैब है और स्मार्ट डिवाइसेस में हमें VR और AR/VR स्मार्ट ऑफिस और इस तरह के प्रोडक्ट्स दे रहा है। उसमें थिंक कोर फुल रोम की टी ये प्रोडक्ट है, जिसमें आप अगर अपने पूरे ऑफिस को ऑटोमाइज करना चाहते हैं तो ऑटोमेशन के लिए स्मार्ट ऑफिस और AR/VR के लिए थिंक स्मार्ट एडिशन टाइनी। उसके बाद डिस्प्ले टैब्स और स्पीकर्स और प्रिंटर्स और ये साउंड सिस्टम, गूगल मीट सीरीज, वन रूम किट फुल फ्रॉम लेनोवो, और ये आइटम अवेलेबल है। और अगर हम जाते हैं
सर्व सीजन सॉल्यूशंस में, तो देखते हैं ये यहाँ क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस सीजन सॉल्यूशन की वेबसाइट में ये हमें जब कि हम जाते हैं तो ये हमें बताता है कि कौन कौन सी ये हमें प्रीमियम सपोर्ट दे रहा है प्रोडक्ट्स के हवाले से, पीसी सर्विसेज, डीसीजी सर्विसेज, एसेट्स रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इनके क्लाउड पे कोई इनसे क्लाउड परचेज़ किया या डाटा सेंटर में अपने इनसे कोई सपोर्ट परचेज़ की और हमारा डाटा हमसे मिस हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो एसेट्स की रिकवरी में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद VIP सॉफ्टवेयर सोल्यूशन मीन किस एक्सट्रीमली प्रीमियर टाइप सर्विसेज भी ये दे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें इस सेक्शन में वारंटी लुकअप को ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या है, पीसी सर्विसेज, डाटा सेंटर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज के बारे में हमने पहले जिक्र किया हुआ है। सपोर्ट टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इसमें वारंटी लुकअप है, सीरियल नंबर डिटेक्ट टूल है, अपडेट ड्राइवर्स है। आप अपडेट ड्राइवर्स में जाके देखते हैं कि क्या है। वारंटी लुकअप का हमने प्रोवाइड किया, उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है कि आप इस पर कॉल करके कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनर लोकेटर के बारे में देखते हैं कि हमें कितनी डिटेल्स देता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या पाकिस्तान है, तो आई थिंक यह लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है, तो आपको अपनी ही उससे जिस सेलर से आपने प्रोडक्ट परचेज किया आप उससे रब्ता कर सकते हैं। वारंटी लुकअप भी हम ओपन करते हैं, तब तक हम देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में OEM सॉल्यूशंस, स्मार्ट रिटेल और वही IoT स्मार्ट कोलैबोरेशन रिलेटेड और जितने भी आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेज रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, जिसमें जैसे बिजनेस की ऑटोमेशन है, जैसे CMMS सिस्टम है, जैसे डाटा सेंटर स्टोरेज है, जैसे में जैसे सर्वर्स हैं। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स की लाइसेंसिंग है और कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, उनकी डिटेल्स और सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम सपोर्ट में जाते हैं और देखते हैं सपोर्ट में हमें ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वारंटी लुकअप में आप यहीं सिर्फ अपना सीरियल नंबर लिखेंगे और ये सबमिट करके डिटेक्ट कर देगा, नहीं तो आप डिटेक्ट माई डिवाइस पर क्लिक करके आप अपनी डिवाइस को भी इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं आपकी डिवाइस की वारंटी अवेलेबल है कि नहीं, या फिर हाउ कैन हेल्प यू पीपल क्लिक करके इनके सर्विस सेंटर इनके ऑनलाइन जो है कस्टमर सर्विसेज का नुमाइंदा उससे भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने हमें एग्जांपल दी हुई है कि आप ये प्रोडक्ट डालें, तो ये डाल के चेक करते हैं क्या इसके अगेंस्ट ये कोई प्रोडक्ट चूज़ करता है, बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट है। ये मैंने प्रोडक्ट डाल दी और देखते हैं कि क्या ये वाकई किसी प्रोडक्ट का वारंटी नंबर है भी सही कि नहीं। तो ये मुझे बता रहा है कि ये X1 योगा लैपटॉप है और उसके बारे में बता रहा है कि इसकी ऑन साइट स्कोर अवेलेबल नहीं है, 0 मंथ रिमेनिंग, कोई वारंटी नहीं है। इसकी जनवरी 2020 में वारंटी क्लोज हो गई थी। इसके ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, इसके मैनुअल्स, इसके रिपेयर स्टेटस, एक्सेसरीज, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ उसको एक्सेस करके बात कर सकते हैं। बता रहे कि एंड ऑफ डेवलपमेंट सपोर्ट इसकी ख़त्म हो गई है। अब अपने प्रोडक्ट अगर आपका लेटेस्ट परचेज है तो आपको सपोर्ट मिल सकती है। उसके बाद सपोर्ट में मैंने क्लिक किया है तो टेक्निकल सपोर्ट ये कुछ टाइम ले रहा है, इंटरनेट कुछ स्लो है आज, तो ये ओपन होता है तो तब तक हम ये देखते हैं कि फ्री सपोर्ट का तो पेज हमने पहले ऑलरेडी ओपन कर लिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि वेयर टू बाय कॉन्टैक्ट अस में क्या है। तो वेयर टू बाय में तो वही प्रोडक्ट्स, वही रिटेल सेलर्स आ गए कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट लिनोवा सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये उनकी पार्टनर लोकेटर और ये उनकी wlodhi@lenovo.com, ये उनकी रेलिवेंट पाकिस्तानी पर्सन की ईमेल है। आप इस पार्टनर लोकेटर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ आपको किधर ले जाता है। इसके बाद आप सपोर्ट लिनोवो में जाके आई थिंक पार्ट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट ओपन हो रही है sport.lenovo.com, इसमें पार्ट्स लुकअप का एक पेज आ गया। इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है और ये हमें कहाँ लेके जाता है। तो ये उनकी लिनोवा की स्पोर्ट की वेबसाइट ओपन हो गई है, ये उनका स्पोर्ट सेंटर है। यहाँ पे अपना आप अकाउंट बना के इसको रजिस्टर करा सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं कि आप
कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कर रहे हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे कहता है कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, स्मार्ट होम है आपका फ़ोन है या आप पीसी यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यू पीसी सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ या डिटेक्ट प्रोडक्ट पर भी कर सकता हूँ मैं, अगर अपनी प्रोडक्ट डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो, क्योंकि मुझे मेरी प्रोडक्ट का पता है तो मैं उस पर क्लिक करके देखता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में क्या सर्विसेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ डिटेक्ट प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेक कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, तो देखते हैं उसने मेरा प्रोडक्ट डिटेक्ट किया कि नहीं, तो उसको रिफ्रेश कर रहा है तो वो मुझे ले गया प्रोडक्ट की तरफ कि आपका प्रोडक्ट ये है और ये आपकी मशीन है। उसके बारे में फिर ये मुझे बताएगा मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी लाइसेंस क्या है, मेरी वारंटी अवेलेबल है कि नहीं है, मेरे ड्राइवर्स और मैनुअल्स, उसकी पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो मुझे मिलेगी और मैं इसके थ्रू परचेज पार्ट्स भी कर सकता हूँ। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फॉर पार्ट्स लुकअप आप यहाँ क्लिक करेंगे, मशीन की इन्फो देंगे या फिर पार्ट नंबर लिखेंगे तो आपको पार्ट भी बता देगा, और वो पार्ट आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको ऑनलाइन ऑर्डर करें पर करना पड़ेगा, और उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ से पार्ट देख लेंगे लिनोवो के पास अवेलेबल है तो आप जाके लिनोवो के जो सेल्स पर जो सर्टिफाइड सेलर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये पार्ट चाहिए। तो उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आप पाकिस्तान में कहीं ढूंढना चाहते हैं तो ये आपको इस तरह सर्च करके बता देगा, और आई थिंक ये आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपको ये उन्हीं 6 या 7 सेलर्स का बताएगा जो ऑलरेडी साइट पे मेंशन है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस में हमें ये किधर लेके जाता है, तो कॉन्टैक्ट अस आई थिंक हम पहले ओपन कर चुके हैं, तो ये भी प्रोडक्ट सपोर्ट और WWD वाली एक ईमेल है। इसके अलावा देखते हैं लिनोवो की वेबसाइट पे क्या चीज़ ऐसी है। इसके अलावा कोई ऐसा आइटम नहीं है जो हमने एक्सप्लोर ना किया हो, तो आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है और लिनोवो की एक डिटेल्ड ऑफिशियल स्टोर का सर्वे भी हो गया। हम ऑफर्स पे क्लिक करते हैं कि ऑफर्स के अंदर हमें ये क्या दे रहे हैं, तो ऑफर्स की एक अलग टैब खोलते हैं तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑफर्स में, बस ऐसे ही ऑफर्स लिखा हुआ है कि शायद हम समझे कि कोई डील होगी। खैर ये थी आज की वीडियो और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी डिटेल हो गई लेकिन स्टोर इतना इन डीप है कि अभी भी हमने स्टोर के बारे में पूरा रिव्यू नहीं दिया, तो वो फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका नई तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।